चंद घंटों का इंतजार जब पूरी दुनिया खेलों के महाकुंभ का शानदार आगाज देखेगी। मोहब्बत के शहर पेरिस में ओलंपिक की ओपनिंग सेरेमनी होगी। ओलंपिक के 128 साल के इतिहास में यह मौका बेहद खास रहने वाला है। पहली बार स्टेडियम के बाहर शानदार ओपनिंग सेरेमनी होनी है। पेरिस की सी नदी पर आज का नजारा यादगार रहने वाला है। पेरिस शहर में दुनिया भर के 10,000 से ज्यादा खिलाड़ी जुटे हैं और इसमें भारत के 117 जाबाज भी शामिल हैं। ओलंपिक 2024 का आज आगाज होगा, लेकिन मुकाबलों की शुरुआत कल गुरुवार से ही हो गई थी, जिसमें भारतीय तीरंदाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए हिंद के इरादे साफ कर दिए हैं। इस रिपोर्ट में आप देखिए। खेलो इंडिया, जीतो दुनिया। पेरिस में भारत के स्पेशल 117। ओलंपिक का आगाज आज। दुनिया को जीतने का जज्बा और तिरंगे को लहराने का जुनून। खेलों के सबसे बड़े महाकुंभ का आगाज होगा तो दुनिया देखेगी हिंद का दम। बस कुछ ही घंटे बाकी है जब फ्रांस की राजधानी पेरिस में ओलंपिक गेम्स का आगाज होगा। इस महाकुंभ में हिंदुस्तान के 117 रणबांकुरे अपना जौहर दिखा रहे हैं। भारतीय समयानुसार रात 11:30 बजे ओलंपिक की ओपनिंग सेरेमनी होगी। 128 साल के इतिहास की बात करें तो इस बार की ओपनिंग सेरेमनी सबसे खास होगी। कैसे, हम बताते हैं। इस बार सबसे खास होगी ओपनिंग सेरेमनी। ओलंपिक के इतिहास में पहली बार ऐसा आयोजन होगा जब स्टेडियम के बाहर ओपनिंग सेरेमनी आयोजित की जाएगी। फ्लोटिंग परेड में हिस्सा लेंगे खिलाड़ी। सीन नदी पर होगा आकर्षक फ्लोटिंग परेड। 100 नावों पर सवार रहेंगे खिलाड़ी। सीन नदी से होकर गुजरेंगी बोट्स, जिनमें 10,000 से ज्यादा खिलाड़ी सवार होंगे। खेलों की सबसे बड़ी प्रतिस्पर्धा के लिए दुनिया भर के एथलीट्स तैयार हैं। इस महाकुंभ में भारत के स्पेशल 117 खिलाड़ी भी शिरकत कर रहे हैं, जिन्हें पूरा देश दुआएं दे रहा है। पदक जीतकर देश का मस्तक ऊंचा करने का जज्बा बुलंद कर रहा है। जितने भी हमारे वहाँ पे एथलीट खेलने गए हैं कि बहुत बहुत शुभकामनाएं। बस निडर होके खेलिए और अपना खेल दिखाइए। बाकी जो मेडल हमारे हिस्से में लिखे होंगे वो जरूर मिलेंगे, और सिर्फ अपना बेस्ट दे के आइए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार बहुत सारे मेडल जो है वो भारत के लिए आएंगे। कि अभी ओलंपिक्स होने जा रहे हैं, पहले तो मैं शुभकामना देता हूँ इंडियन कंटिजेंट को। बहुत आशाएं, उम्मीदें हैं और ये एक शुरुआत होगी। जिस तरह से आज एक उत्सुकता, जागरूकता बनी है उत्तर प्रदेश में सभी खेलों के प्रति, और जब एक टूर्नामेंट होता है इस स्तर का, इस क्वालिटी का, और पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं देश के सभी लोग श्रोता बन के उसको देखते हैं, नहारते हैं खिलाड़ियों को, उनको बढ़ावा मिलता है। ओलंपिक का आगाज शानदार होगा, यादगार होगा। ऐसा पहली बार होगा जब स्टेडियम के बाहर खेलों के महाकुंभ की ओपनिंग सेरेमनी होगी। सीन नदी पर फ्लोटिंग परेड का नजारा देखने को दुनिया बेताब है। ओलंपिक के 128 साल के इतिहास में आज सबसे खास पल आने वाला है जब 10,000 से ज्यादा खिलाड़ी अपने देश का सीना
गर्व से चौड़ा करेंगे। सी नदी पर अलग ही छटा दिखाई पड़ेगी। आगाज आज होगा, लेकिन मुकाबला गुरुवार से ही शुरू हो चुका है, जिसमें भारतीय खिलाड़ियों ने कमाल दिखाना शुरू भी कर दिया। तीरंदाजी में भारत टॉप फोर में पहुंच गया है, मतलब सीधे क्वार्टर फाइनल में एंट्री मिल गई। धीरज और अंकिता ने तीरंदाजी में कमाल दिखाया। धीरज बोम देवरा तीसरे स्थान पर रहे, जबकि अंकिता भक्त चौथे स्थान पर रही। दोनों अपना पहला ओलंपिक खेल रहे हैं। धीरज और अंकिता के शानदार प्रदर्शन ने पेरिस में भारत का परचम लहराना शुरू कर दिया है। टॉप फोर में जगह बनाकर भारतीय महिला और पुरुष तीरंदाजी टीमें सीधे क्वार्टर फाइनल में जगह बना चुकी है। हमको बहुत अच्छा लग रहा है, हम जो परफॉर्मेंस आज किए, जो प्लान हम लोग पिछले दो साल से दिमाग में रख के चल रहा है कि गेम्स के लिए ऐसे प्रिपेयर होना है, हम लोग सही रास्ते पे है। एंड जैसे आज शुरुआत का रैंकिंग राउंड में थोड़ा बहुत हवा था, ट्रिकी कंडीशंस थे, पर बाद में हम लोग टीम में आपस में बातें किए, इन्फॉर्मेशन शेयर किए, जिसकी वजह से सेकेंड राउंड बहुत अच्छा हुआ तीनों का। एंड आगे भी हम लोग ऐसे ही फाइट करते रहेंगे। मैं अपना ये सीजन का बेस्ट स्कोर मारी हूँ, तो मैं सेटिस्फाई तो नहीं बोलूंगी, पर अच्छा मारी हूँ मैं, और भी मार सकते थे, तो धीरे धीरे होगा। मेरा बेस्ट अभी भी आना बाकी है। मैं अपने तरफ से ये बेस्ट नहीं था, मैं और भी मार सकती थी। ओलंपिक गेम्स में भारत ने 117 खिलाड़ियों का दल भेजा है, जो अब तक के इतिहास में भारत की तरफ से भेजी गई सबसे ज्यादा संख्या है। बात ओलंपिक के इतिहास की करें तो टोक्यो में भारत ने अब तक का सबसे शानदार प्रदर्शन किया था। ओलंपिक में भारत ने अब तक कुल 35 पदक जीते हैं, जिनमें टोक्यो ओलंपिक 2020 में शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत ने कुल 7 पदक जीते थे। टोक्यो में 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य पदक भारत के हिस्से में आए थे। व्यक्तिगत स्पर्धा में अब तक सिर्फ 2 गोल्ड मेडल्स मिले हैं। 2020 में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता था, उससे पहले 2008 के ओलंपिक में अभिनव बिंद्रा ने गोल्ड पर निशाना लगाया था। इस बार भारतीय जाबाजों से उम्मीद ज्यादा है। टोक्यो का बेंचमार्क क्रॉस करना है, मेडल्स की संख्या बढ़ानी है। किसी भी ओलंपिक में भारत ने अब तक 2 अंकों में पदक नहीं जीता है, लिहाजा पेरिस गए खिलाड़ियों से देश 2 अंकों में पदकों की संख्या की उम्मीद कर रहा है। It's a dream for every athlete to go to one Olympics, and I'm here and taking part in my second, so it feels great. And yeah, I'm looking forward to racing. Super excited to see how I can do. I'm just trying to focus on giving my best. चुनौती बड़ी है, उम्मीदें भी बड़ी है। भारत के रणबांकुरे पेरिस में परचम लहराएंगे, इस उम्मीद के साथ हर हिंदुस्तानी खेलों के इस महाकुंभ की तरफ टकटकी लगाए बैठा है। ओपनिंग शानदार रही है, उम्मीद है कि भारतीय एथलीट्स देश का मस्तक गर्व से ऊंचा करेंगे, दुनिया को इंडिया की ताकत दिखाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो ओलंपिक खेलों की शुरुआत 1896 में एथेंस से हुई थी। 128 साल का ये गौरवपूर्ण सिलसिला लगातार जारी है। हर 4 साल में खेलों के इस महाकुंभ का आयोजन किया जाता है, और इस बार भारत ने 117 खिलाड़ियों का दस्ता भेजा है, जिनसे काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। पहले दिन गुरुवार को तीरंदाजों ने अपना जौहर दिखाकर इरादे साफ भी कर दिए हैं, लेकिन चुनौती बड़ी है। 18 दिन के इस इवेंट में किन किन खेलों में मेडल्स की उम्मीद है, अब आपको बताते हैं। सबसे पहले बात होगी शूटिंग की। शूटिंग में भारत के 21 खिलाड़ी हैं जो कि पदक के दावेदार हैं। मनु भाकर, सिफ्त कौर, सामरा से उम्मीद भी है। बात अगर बैडमिंटन की करते हैं तो बैडमिंटन में भी डबल्स जोड़ी से भारत को काफी ज्यादा उम्मीदें हैं, जिसमें चिराग, सात्विक, साईराज से काफी ज्यादा उम्मीद है। स्वर्ण या रजत, ये दोनों के दावेदार हैं। बात अगर पीवी सिंधु की करें तो पीवी सिंधु से भी काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। पीवी सिंधु से तीसरे मेडल की आस हर किसी को है। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं वेटलिफ्टिंग की। वेटलिफ्टिंग में मीराबाई चानू के कंधों पर खासी जिम्मेदारी है।
भारतीय दल में एकमात्र वेटलिफ्टर हैं मीराबाई चानू। इसके अलावा आगे बढ़ते हुए बात होगी एथलेटिक्स की, जिसमें जेवलिन में नीरज चोपड़ा से काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। टोक्यो ओलंपिक में उन्होंने गोल्ड मेडल भी जीता था और इस बार उम्मीदें और ज्यादा बढ़ गई हैं। बात अब करें हॉकी की, तो टोक्यो में ब्रॉन्ज जीत चुकी है पुरुष टीम। 41 साल के बाद टोक्यो में पदक जीता था, अच्छा प्रदर्शन किया था और अब अच्छे प्रदर्शन का अभाव है, बड़ी चुनौती। मजबूत टीमों के ग्रुप में भारतीय टीम भी शामिल है। बात होगी बॉक्सिंग की, जरीन और लवलीना से मेडल की आस है। जरीन से 50 किलो वर्ग में गोल्ड की आस है, तो वहीं 50 किलो कैटेगरी में वर्ल्ड चैंपियन है जरीन। लवलीना से भी कांस्य पदक की उम्मीद है, तो उम्मीदें काफी ज्यादा लगातार बढ़ रही हैं। तो ओलंपिक और पेरिस का रोचक रिश्ता रहा है। साल 1896 में ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई और उसके बाद से ही फ्रांस का पेरिस शहर इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता रहा है। अकेले पेरिस शहर की बात करें तो 3 बार खेलों के महाकुंभ की मेजबानी भी कर चुका है। पेरिस और ओलंपिक के साथ साथ भारत भी इस बार ओलंपिक का खास नाता रहा है। तो लगातार आपको बता रहे हैं क्योंकि इस बार उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं। टोक्यो का 7 पदकों वाला अब रिकॉर्ड तोड़ने को लेकर उम्मीदें लगातार बरकरार हैं। अगर हम बात करें पेरिस की, तो साल 1896 में ओलंपिक खेलों की शुरुआत हो गई थी और उसके बाद से फ्रांस का पेरिस लगातार इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। अकेले पेरिस शहर में 3 बार खेलों के महाकुंभ की मेजबानी भी कर चुका है। पेरिस और ओलंपिक के साथ साथ भारत भी इस बार ओलंपिक का खास नाता है। अब आपको कुछ और रोचक तथ्यों से हम रूबरू कराएंगे। बात होगी पेरिस, ओलंपिक और भारत की। तो पेरिस में 3री बार आयोजन इस बार हो रहा है, इससे पहले भी 2 बार मेजबानी कर चुका है पेरिस। पेरिस से भारत का भी खास नाता है। ओलंपिक में भारत का 100वां साल, पहली बार 1924 में खिलाड़ी भेजे, 1924 में भी पेरिस ने ही मेजबानी की थी उस दौरान। तो ये तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं और क्योंकि आज आगाज होने वाला है, भारतीय समय अनुसार रात 11:30 बजे आगाज होगा ओलंपिक का। और क्योंकि इस बार जो ओपनिंग सेरेमनी है वो भी काफी ज्यादा खास होने वाली है, महंगे महंगे टिकट्स बिके हैं, काफी संख्या में लोग ओपनिंग सेरेमनी देखने के लिए पहुंचने वाले हैं। और इस बार क्योंकि भारतीयों से, भारतीय एथलीट से काफी ज्यादा उम्मीद है, जितने खिलाड़ी गए हुए हैं खेलने के लिए, हर किसी से उम्मीदें इस बार बहुत ज्यादा हैं। तो पेरिस में अब तमाम जो खेल हैं उनकी प्रक्रिया शुरू होगी, लेकिन आज ओपनिंग सेरेमनी होगी और ओपनिंग सेरेमनी के बाद जितने भी खेल हैं वो शुरू होंगे। लेकिन इस बार उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं, जो उम्मीदों का पुलिंदा है वो लगातार बढ़ रहा है। जितने भी खिलाड़ी जो कि भारत गए हुए हैं, अगर बात करें पीवी सिंधु की, तो लगातार 3रा पदक जीतने का मौका उनके पास है और अगर वो ऐसा करती हैं तो वो पहली खिलाड़ी बन जाएंगी लगातार 3 पदक जीतने वाली। रियो में रजत, टोक्यो में कांस्य पद उन्होंने जीता था। तो देखिए, लगातार आपको हम बता भी रहे हैं पीवी सिंधु के बारे में, क्योंकि अगर वो इस बार जीतती हैं तो एक अपने आप में रिकॉर्ड वो हासिल कर लेंगी। लगातार 3रा पदक जीतने का मौका उनके पास है और अगर ऐसा करती हैं तो वो पहली भारतीय बन जाएंगी। रियो में रजत उन्होंने जीता था, इसके बाद टोक्यो में कांस्य उन्होंने जीता और अब अगर वो जीतती हैं तो अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड उनके नाम होगा। मेडल्स की हैट्रिक वो लगा सकती हैं। फॉर्म में ना होना सिंधु के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। तो आपको बता रहे हैं अलग अलग चुनौतियां, क्योंकि उम्मीद इस बार हर एक खिलाड़ी से, ना सिर्फ पीवी सिंधु से बल्कि हर एक खिलाड़ी से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। अब आज से आगाज होने वाला है, भारतीय समय अनुसार रात 11:30 बजे ओपनिंग सेरेमनी होनी है। पेरिस में काफी बड़े स्तर पर ओपनिंग सेरेमनी का आयोजन भी किया जा रहा है। तो 117 है कुल खिलाड़ी पेरिस पहुंचे हुए हैं भारत से और ऐसे में हर एक खिलाड़ी जिनसे बहुत ज्यादा उम्मीदें लगातार बढ़ रही हैं।
तो हर एक भारतीय के लिए काफी ज्यादा ये गर्व करने वाला दिन होगा जब एक के बाद एक मेडल्स भारत के नाम होंगे। और वहीं ओलंपिक और पेरिस का रोचक रिश्ता भी काफी ज्यादा रहा है। साल 1896 में ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी और उसके बाद से लगातार फ्रांस का पेरिस शहर इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता रहा है। अकेले पेरिस शहर ही 3 बार खेलों की महाकुंभ की मेजबानी कर चुका है। पेरिस और ओलंपिक के साथ साथ भारत से भी इस बार ओलंपिक का खास नाता है। आपको अब कुछ और रोचक तथ्य इसके बारे में बताते हैं, पेरिस ओलंपिक और भारत के बारे में। पेरिस में तीसरी बार आयोजन हो रहा है, इससे पहले 2 बार मेजबानी कर चुका है। पेरिस से भारत का भी खास नाता रहा है। ओलंपिक में भारत का 100वां साल है। पहली बार 1924 में खिलाड़ी भेजे थे और 1924 में भी पेरिस ने ही मेजबानी की थी ओलंपिक्स की। तो खासतौर पर आप देख सकते हैं कि एक अलग नाता ओलंपिक का पेरिस का और भारत का रहा है। तो भारत भी हमेशा से बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता रहा है ओलंपिक्स में और एक बार फिर से 117 भारतीय खिलाड़ी जो कि पहुंचे हैं पेरिस।